गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ, जिसे आप अपने घर के बच्चों और बड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टुकड़ा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज, आधा शिमला मिर्च, 1 गाजर और थोड़े से बीन्स को ले के फाइनली मिनी चॉपर में छोटे छोटे चॉप कर लेने हैं। चॉप करने के बाद इसमें आधा कटोरी सूजी, 1 कटोरी ओट्स, आधा कटोरी दलिया और थोड़ा सा जीरा और आधा कटोरी दही को डालना है। फिर इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालना है। फिर इसमें आधी कटोरी बेसन और आधा कटोरी आटा डालना है। फिर इन सबको मिलाकर पानी के साथ अच्छे से एक थिक पेस्ट बना ले। आप इस बैटर का भी चाहें तो डायरेक्ट चीला बना सकते हैं, बट मेरे घर के बच्चों को इतना वेजिटेबल्स दिख जाएगा तो वो नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने इसे मिक्सी में बिना पानी के हेल्प से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बन जाने के बाद इसमें आप थोड़ी सी स्वाद के लिए धनिया पत्ती को डालें। फिर कढ़ाई में ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ही ऑयल लगाएं और चीला के बैटर को इसमें डाल के अच्छा सा राउंड शेप देकर फिर आप इसे ढककर पका सकते हैं। तो इस मैं इतनी अच्छी आपको डिश बता रही हूँ, तो इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, जब एक साइड पूरी अच्छी तरीके से पक जाए तो आप दूसरी साइड भी ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा तेल लगाकर, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी यमी बनता है। आप इसे अचार, टमाटो सॉस, मेयोनीज किसी के साथ भी इंजॉय कर